इसका ये है कि गाड़ी कहीं भी लगा वहाँ स्टॉपिंग नहीं है, कहा तो ये नो पार्किंग है, वहाँ चलान कट गया, फोटो खिंचा गया तो चलाना स्टॉपिंग का व्यवस्था नहीं है, बोला सिस्टम बोला गया था रोड बन जाने दी रोड में चलने के बाद पता नहीं चलता गाड़ी लगाए तो कहाँ लगाए, कहीं भी लगाए चलान काट गया। इस मामले को लेकर के हमको जैसा मालूम पड़ा था, हम जो अभी यहाँ पे आए सरकार हम लोगों का है, सरकार मुक्ति तो आप लोगों का दुख दर्द हम लोग नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। तो यहाँ पे मेरा नंबर नोट कर लीजिए और जब भी किसी तरह का कोई भी पुलिस हो चाहे कोई भी, हम आज खुल के बोल रहे हैं, अगर बिना मतलब को परेशान अगर करता है तो हमसे बात कीजिए, और रहा बात व्यवस्था का कहीं पर कॉमेडी है जिसके बारे में बात होगा। और दूसरी बात है मुख्य जो बात आपको यहाँ बोलने के लिए अभी यहाँ पर आया है कि देखिए खासकर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये आप लोग को मालूम है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग फॉर्म 15 के बाद भी होगा और अगल बगल के लोगों को भी बताइए ताकि 12,000 रुपये साल में मिलता तो कम थोड़े है, ठीक है ये तो महीना का ही हो गया हम लोग क्या हम लोग का समस्या आप लोगों का समस्या क्या बोलिए समस्या हम लोग ऑटो तो चला के बच्चा नहीं पा रहे समस्या बहुत सारा राशन कार्ड नहीं मिला। एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम को लेकर धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी ने रंगाटांड में ऑटो चालक से मुलाकात कर उन सभी का दुख दर्द से अवगत हुए। बता दें सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालकों ने विस्तार से अपनी बातें रखी और सभी ऑटो चालकों को कांग्रेस नेता राशिद रजा ने आश्वासन दिया अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कीजिए, कोशिश करूंगा उसका निदान अवश्य हो। सभी ऑटो चालक ने जोरदार स्वागत किया।